सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। आप लोगों का फिर से स्वागत है एमएस वर्ड की इस वीडियो सीरीज में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे विद आवर सेकंड ग्रुप ऑफ इंसर्ट टैब दैट इज योर टेबल्स। और ये टेबल काफी लंबा है। तो गाइस, एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये हो गया हमारे लिए एमएस वर्ड, और यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को जाना है इंसर्ट टैब में, और उसके भीतर आप लोग को मिलेगा सेकेंड ग्रुप जो की है टेबल्स। तो नाम से शायद आप लोग को समझ में आ रहा होगा, अगर आप लोग चाहते हो कि कोई भी एक टेबल बनाना है आप लोगों को, तो वो टेबल आप लोग इस ग्रुप के थ्रू बना सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग को एक ड्रॉप डाउन का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो जैसे आप लोग वहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप लोग को काफी सारा छोटा छोटा बॉक्स आप लोग को दिख रहा होगा। तो यूजिंग दिस बॉक्स आप लोग अपने लिए एक टेबल बना सकते हो। तो गाइस, अभी जो टेबल आप लोग को यहाँ पे मिल रहा है, जो मैं यहाँ पे प्रीव्यू कह सकता हूँ, इसको हम लोग कहेंगे रो। बेसिकली जो हॉरिजॉन्टली रहता है इसको हम लोग कहते हैं रो, और अगर आप लोग वर्टिकली देखोगे तो इसको हम लोग कहेंगे कुलम। अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरा कितना कुलम है, यहाँ पे मेरा दो कुलम है, अभी मेरा कितना कुलम है, तीन कुलम, चार कुलम। सिमिलरली अगर आप लोग नीचे लाओगे तो कितना हो रहा है, दो रो चार कोलम, तीन रो चार कोलम। तो आप लोग ऊपर भी देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग का लिखा हुआ है 4x3 टेबल। यहाँ पे 4 का मतलब क्या है, कॉलम, और 3 का मतलब क्या है, रो। सिमिलरली अगर आप लोग बढ़ाओगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये क्या आ रहा है, 5x3। तो इसी को हम लोग कहते हैं रोस एंड कॉलम्स। तो सपोज मुझे यहाँ पे कुछ 5x4 साइज का एक टेबल चाहिए था, तो मैंने इसको कर दिया सिलेक्ट। और जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप लोग देख सकते हो आप लोगों के लिए एक टेबल बन जाएगा। एंड यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप लोग को नोट करना है, जैसे ही आप लोग अपने लिए टेबल बनाओगे तो ऊपर में आप लोग को दो एडिशनल टैब्स मिलेगा। पहला टैब मेरा क्या है, डिजाइन, एंड सेकंड टैब मेरा क्या है, लेआउट। तो गाइस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग अपना जो टेबल है इसको डिलीट कर दोगे तो आप लोग को ऊपर में कोई एडिशनल टैब्स नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे आप लोग अपने लिए एक टेबल बनाओगे, इन दैट केस आप लोगों को ऊपर में दो एडिशनल टैब्स मिलेगा, जिसको हम लोग कहेंगे एक डिजाइन और दूसरा है आप लोगों के लिए लेआउट, जिसमें काफी सारा अलग अलग ऑप्शन है जो कि सिर्फ इसी टेबल में इंप्लीमेंट होने वाला है। तो अगर आप लोगों को ये टेबल को सिलेक्ट करना है तो आप लोग डायरेक्टली कंट्रोल ए कर सकते हो, जहां से कंप्लीट टेबल सिलेक्ट हो जाएगा, या आप लोग अपना जो कर्सर है उसको साइड में लेते हुए आप लोग कंप्लीट सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये मेरा कंप्लीट सिलेक्ट हो गया। अगर आप लोग को नीचे से एक रो सिलेक्ट करना है उसको भी कर सकते हो, दो रो को भी सिलेक्ट कर सकते हो, और अगर अभी आपको इसको डिलीट करना है देन इन दैट केस आप लोग को कीबोर्ड से प्रेस करना होगा बैकस्पेस। तो जैसे आप लोग कीबोर्ड से बैकस्पेस में क्लिक करोगे आप लोग का ये डिलीट हो जाएगा। तो गाइस, इसमें सबसे पहले ये जो मेरा कंप्लीट टेबल है मैं इसको डिलीट करके आप लोग को दिखाता हूँ। तो अभी आप लोग देख सकते हो, जैसे आप लोग अपना टेबल है उसको सिलेक्ट करोगे तो ऊपर में आप लोगों को दो टैब्स डिजाइन और लेआउट मिल जाएगा। जैसे आप लोग बाहर क्लिक करोगे आप लोग देख सकते हो ऊपर से जो आप लोगों का टैब्स था डिजाइन और लेआउट वो गायब हो जाएगा। तो एज ऑफ नाउ मैं सबसे पहले यहाँ पे इसको डिलीट कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को और एक चीज जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था ये मेरा क्या है, यहाँ पे मेरे पास दो रो है और मेरे पास यहाँ पे पांच कॉलम है। वर्टिकली जो रहेगा इसको हम लोग कहेंगे कॉलम, और जो हॉरिजॉन्टली रहेगा इसको हम लोग कहेंगे रो। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल जो आप लोगों को यहाँ पे बॉक्स मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को 10 बॉक्सेस मिलेगा, 5x2 10 बॉक्सेस। तो ईच एंड एवरी बॉक्स को हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे सेल। तो ये आपके लिए हो गया पहला सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, तो इसको हम लोग कहेंगे सेल। तो ये आप लोग को जानना है कि कंप्लीट जो है यह है मेरे लिए टेबल, हॉरिजॉन्टल जो है यह है मेरे लिए रो, जो वर्टिकली है यह है मेरे कॉलम, और इंडिविजुअल बॉक्स आप लोग के लिए होगा एक एक सेल। तो अभी के लिए मैं इसको कर देता हूं डिलीट, एंड देन मैं फिर से जाऊंगा इंसर्ट में और टेबल में, और इसका जो ड्रॉप डाउन है उसमें जाऊंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर आप लोग कोई भी एक साइज का टेबल बनाना चाहते हो तो यूजिंग दिस स्मॉल बॉक्सेस आप लोग बना सकते हो, लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है। आप लोग देख सकते हो, अगर आप लोग चाहते हो कि मुझे 11 रोज चाहिए या 12 रोज चाहिए, तो इन दैट केस 11 कॉलम चाहिए या 12 कॉलम चाहिए, तो इन दैट केस ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो लिमिट है वो है कितना, 10। यूजिंग दिस बॉक्सेस आप लोग 10 कॉलम ही बना पाओगे, और रो कितना होगा यहाँ पे, और रो आप लोग के लिए होगा 8। तो यूजिंग दिस बॉक्सेस आप लोग 10 कॉलम्स और 8 रोज बना पाओगे।
लेकिन अगर आप लोगों को कुछ ऐसा टेबल बनाना है जिसमें साइज आप लोग अपने हिसाब से सेट कर सको, सपोज मुझे 15 रोज चाहिए, 20 कॉलम चाहिए, तो इन दैट केस आप लोग क्या कर सकते हो? सो फॉर दैट आप लोग को मूव करना होगा नेक्स्ट ऑप्शन में, जो है मेरे लिए इंसर्ट टेबल। आप लोग देख सकते हो, जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन मिल जाएगा, या आप लोग को यहाँ पे एक एडिशनल विंडो दिख रहा होगा इंसर्ट टेबल नाम का। तो यहाँ पे पहला क्या आ रहा है, टेबल साइज, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज। तो आप लोग यहाँ पे अपने एंड से नंबर ऑफ कॉलम्स को डाल सकते हो, एंड अपने एंड से यहाँ पे आप लोग नंबर ऑफ रोज को भी डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इंक्रीज करना है तो मैं यहाँ से इसको इंक्रीज कर सकता हूँ। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरा कॉलम कितना हो गया 12, लेकिन पहले वहाँ पे 10 तक ही लिमिटेड था। तो जो आप लोग को चाहिए आप लोग उस अकॉर्डिंगली यहाँ पे ले सकते हो, और जैसे आप लोग सेटिस्फाइड हो जाते हो, हाँ मुझे इतना ही चाहिए, इन दैट केस आप लोगों को करना होगा ओके। लेकिन ओके करने से पहले यहाँ पे आप लोगों को और एक ऑप्शन मिल रहा है, जो है ऑटो फिट बिहेवियर। इसका मतलब क्या है, इसमें आप लोगों को तीन ऑप्शन दिख रहा होगा। पहला ऑप्शन है फिक्स्ड कूलम विथ, सेकेंड है ऑटो फिट टू कंटेंट, एंड थर्ड है आप लोगों के लिए ऑटो फिट टू विंडो। हम लोग ये तीनों ऑप्शन को इन डिटेल्स देखेंगे। पहला ऑप्शन आप लोगों के लिए क्या है, फिक्स्ड कूलम विथ, मतलब यहाँ पे जो आप लोगों को कूलम मिलेगा हर एक कूलम का विथ फिक्स्ड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में कितना आ रहा है ऑटो, मतलब ये ऑटोमेटिकली सेट होगा और हर एक कूलम का विथ फिक्स्ड रहेगा। अगर मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को कितना कूलम मिल रहा है, 12 कूलम मिल रहा है, और आप लोगों को 5 रोस मिल रहा है। लेकिन ईच एंड एवरी कूलम का जो विथ है वो यहाँ पे फिक्स्ड है, जो ऑटोमेटिकली एमएस वर्ड से सेट हो गया है डिपेंडिंग ऑन योर साइज ऑफ पेज। यहाँ पे मेरा पेज का साइज क्या था, 0 से लेके 6.5 इंच, तो वहां तक ये ऑटोमेटिकली सेट कर देगा। लेकिन हर एक जो सेल है, सेल का विथ आप लोगों का बराबर रहेगा। तो अभी के लिए मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, और मेरा जो नंबर ऑफ रोज है वो मैं थोड़ा कम सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा नंबर ऑफ कॉलम्स है मैं इसको 5 ही रखता हूँ, और जो मेरा नंबर ऑफ रोज है इसको मैं कर देता हूँ 4। तो अभी अगर आप लोगों को जानना है कि ऑटो फिट टू कंटेंट का मतलब क्या है, या मैं यहाँ पे आप लोगों को और एक चीज दिखाना चाहूंगा ऑटो का मतलब क्या है। अगर मैं यहाँ पे ऑटो के साथ ओके करता हूँ, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो कूलम का विथ आ रहा है वो ऑटोमेटिकली सेट हो रहा है डिपेंडिंग ऑन योर विथ ऑफ रूलर। आप लोग का जो रूलर है वो 6.5 इंच का था, तो उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं मुझे यहाँ पे अपने ऐसे बनाना है, तो मैंने यहाँ पे अंडू कर दिया। आप लोगों को जाना होगा फिर से इंसर्ट टेबल में, एंड देन यहाँ पे आप लोग अपने एंड से, मैं पहले रो को 4 कर देता हूँ, एंड देन जो यहाँ पे ऑटो दिख रहा है, अगर आप लोग ऑटो में दो आप लोगों को एरो मार्क दिखेगा, अगर आप लोग ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोग यहाँ से चेंज भी कर पाओगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अभी आप लोग का कितना हो रहा है, 0.5 इंच। आप लोग का जितना भी कूलम्स होगा, हर एक कूलम का विथ कितना होगा, 0.5 इंच। अगर आप लोग इसको बढ़ाना चाहते हो, तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ से आप लोग अपने हिसाब से मैन्युअली विथ को सेट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इसको 1 कर दिया, और जैसे मैं यहाँ पे ओके करूंगा आप लोग देख सकते हो अभी हर एक कूलम का विथ कितना है, 1 इंच। पहले मेरा क्या था वो 6.5 में ऑटोमेटिकली डिवाइड हो रहा था। तो ये है डिफरेंस ऑटो का, और अगर आप लोग मैन्युअली चेंज करना चाहते हो तो। कैसे, ये था मेरा फर्स्ट ऑप्शन जहाँ पे मेरा कूलम का विथ फिक्स रहता है। एंड देन सेकेंड ऑप्शन आप लोग के लिए है ऑटो फिट टू कंटेंट। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे फिर से मैं 4 कर देता हूँ, एंड देन मैं अभी इसको सिलेक्ट कर देता हूँ ऑटो फिट टू कंटेंट। जैसे आप लोग यहाँ पे ओके करोगे, आप लोग देख सकते हो जो आप लोग का विथ है अभी कूलम का वो बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे आप लोग का जो विथ है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन योर कंटेंट। सपोज यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ टेक बूस्टर, तो आप लोग देख सकते हो जैसे मेरा कंटेंट का साइज बढ़ रहा है, मेरा जो विथ है वो ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ज्ञान क्यूब, तो ये ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो ये है मेरा सेकेंड ऑप्शन का मीनिंग, आशा करता हूँ आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको भी कर देता हूँ डिलीट, एंड देन आप लोगों के लिए होगा थर्ड ऑप्शन। और थर्ड ऑप्शन क्या है, ऑटो फिट टू विंडो। तो ऑटो फिट टू विंडो का भी मतलब सेम है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो आप लोग का विंडो का साइज है वो है आप लोग का 6.5 इंच, जो कि रूलर का साइज है। तो ये ऑटोमेटिकली जो आप लोग का विंडो है वहां पे इसको फिट कर देगा, आप लोग का जो कूलम का विड्थ वगैरह है
वो ऑटोमेटिक रिसेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो आप लोगों का मैक्सिमम रेंज है वो विंडो के हिसाब से बनेगा। जैसे आप लोग यहाँ पे ओके करो, आप लोग देख सकते हो जो आप लोगों का साइज था 6.5 इंच वो वहां तक ऑटोमेटिकली सेट हो चुका है। तो गाइस मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट जब आप लोगों ने टेबल को बना लिया, टेबल को बनाने के बाद अभी आप लोग मूव करेंगे हमारे डिजाइन और लेआउट टैब्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी स्टार्टिंग विद आवर लेआउट टैब। तो लेआउट टैब को जब भी आप लोग ओपन करोगे आप लोग देख सकोगे कि यहाँ पे भी काफी सारे ग्रुप्स अवेलेबल है, जैसे कि टेबल, ड्रॉ, रोस एंड कॉलम्स, मर्ज, सेल साइज, अलाइनमेंट, डेटा, बहुत सारे ग्रुप्स। तो गाइस अभी आप लोग हर एक टेबल में डेटा को इंसर्ट कर सकते हो, उसी टेबल को आप लोग मैनिपुलेट भी कर सकते हो, और अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला को भी लगा सकते हो। जो गाइस ओनली फॉर्मूला हम लोग एक्सेल में नहीं, हम लोग वर्ड में टेबल बना के भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, और ये वाला जो टेक्निक है मैं आपको अभी इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो आप लोगों ने टेबल बनाया, अगर आप लोग को लग रहा है कि नहीं मुझे यहाँ पे रोज कम लग रहा है, कि मुझे यहाँ पे कुछ और रोज ऐड करना है, या कॉलम्स ज्यादा है मुझे कॉलम्स को ऐड करना है, तो जितना भी रोज एंड कॉलम्स का फंक्शन है उसमें काम करने के लिए आप लोग को जाना होगा ये रोज एंड कॉलम्स वाला ग्रुप में। आप लोग यहाँ पे मिल रहा होगा रोज एंड कॉलम्स ग्रुप। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक क्या है इंसर्ट अबव एंड दूसरा है आप लोगों के लिए इंसर्ट बिलो। तो इंसर्ट अबव, बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट, ये सबको समझने के लिए मैं सबसे पहले ये टेबल को थोड़ा फिल कर लेता हूँ कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू से। सपोज मैंने यहाँ पे कर दिया ए बी सी डी ई, देन मैंने कर दिया 1 2 3 4 5। ये मैंने सिर्फ अर्बिट्रेरीली कुछ वैल्यू सेट किया ताकि आप लोगों को समझ में आए कि आप लोग का जो रो है या कॉलम है वो कहाँ पे ऐड हो रहा है। अगर आप लोग चाहते हो कि जो आप लोग का टेबल है इसके ऊपर आप लोग को रो ऐड करना है एक रो, तो आप लोगों को सबसे पहले जो ऊपर वाला रो है उसको सिलेक्ट करना होगा। आप लोग देख सकते हो मेरा जो कर्सर है वो फर्स्ट जो मेरा सेल है वहाँ पे ब्लिंक हो रहा होगा ए के पीछे। इसका मतलब क्या है, मैंने इस रो को सिलेक्ट किया एंड देन आप लोग को जाना है इंसर्ट अबव, मतलब जो आप लोगों ने सिलेक्ट किया उसके ऊपर एक रो ऐड होने वाला है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे आप लोग देख सकते हो आप लोग का एक रो ऊपर ऐड हो गया है। सिमिलरली अगर आप लोग दोबारा क्लिक करोगे तो आप लोगों को ऊपर और एक टेबल और एक रो मिल जाएगा। अगर आप लोग नीचे ऐड करना चाहते हो तो जो नीचे वाला कॉलम है उसको नीचे वाला रो है उसको सिलेक्ट करना होगा एंड देन आप लोगों को क्लिक करना होगा इंसर्ट बिलो। जैसे आप लोग इंसर्ट बिलो में क्लिक करोगे नीचे एक रो ऐड हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं मुझे यहाँ पे एक कूलम ऐड करना है, तो कूलम को भी आप लोग कहाँ पे ऐड करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग चाहते हो कि जो मैंने सिलेक्ट किया इसके पीछे एक कूलम चाहिए मुझे, तो आप लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट कूलम है उसको सिलेक्ट करना है एंड देन आप लोग को सिलेक्ट करना है इंसर्ट लेफ्ट। तो जैसे आप लोग इंसर्ट लेफ्ट में क्लिक करोगे आप लोग देख सकते हो जो कूलम आप लोगों ने सिलेक्ट किया था उसके लेफ्ट में एक एडिशनल कूलम ऐड हो गया है। अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं मेरा जो ये सी वाला कूलम है इसके लेफ्ट में मुझे ऐड करना है, तो आप लोग को सी वाला कूलम को सिलेक्ट करना होगा एंड देन आप लोगों को क्लिक करना है इंसर्ट लेफ्ट। तो आप लोग देख सकते हो अभी जो मेरा सी वाला कूलम था C3 इसके लेफ्ट में एक कूलम एडिशनली ऐड हो चुका है। अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं मुझे डी वाला कूलम के राइट साइड में ऐड करना है एक कूलम एंड देन आप लोगों को डी वाला कूलम में जो भी एक कूलम को सिलेक्ट करना है, ये जो आप लोगों का अभी कितना नंबर कूलम हो रहा है 1 2 3 4 5 6 सिक्स कूलम को आप लोगों को सिलेक्ट करना है यहाँ पे एंड देन आप लोगों को क्लिक करना है इंसर्ट राइट। जैसे आप लोग इंसर्ट राइट में क्लिक करोगे एक एडिशनल कूलम यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो गाइस ये है प्रोसेस कैसे आप लोग कोई भी पोजिशन में एक रो या कूलम को आप लोग ऐड कर सकते हो एंड देन आप लोग को जानना है कि आप लोग कैसे कुलम या रो को डिलीट भी कर सकते हो। तो डिलीट करने के लिए आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों के पास एक डिलीट वाला ऑप्शन होगा। तो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को सिलेक्ट करना है कि आप लोग कौन से रो या कुलम को डिलीट करना चाहते हो। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे फर्स्ट कुलम और सेकेंड रो को सिलेक्ट किया और मुझे यहाँ पे कोई भी रो या कुलम को डिलीट करना है, तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा डिलीट के नीचे एक ड्रॉप डाउन है, तो यहाँ पे करना है क्लिक एंड देन आप लोग यहाँ पे मिलेगा डिलीट सेल। आप लोग कोई पर्टिकुलर सेल को भी डिलीट कर सकते हो, तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे करना होगा क्लिक। तो जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे आप लोग को एक ऑप्शन मिलेगा शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, मतलब ये लेफ्ट से शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पे इसको डिलीट करोगे
तो आप लोग देख सकते हो यहाँ से एक गायब हो गया, मतलब वो लेफ्ट से डिलीट हो गया है। सिमिलरली अगर आप लोग यहाँ से डिलीट करोगे, जो मेरा ए लिखा हुआ कॉलम है या जो सेल है इसको डिलीट करना चाहते हो, तो फिर से डिलीट में जाना है, डिलीट सेल्स, और मैं भी सिलेक्ट कर रहा हूँ शिफ्ट सेल्स अप, मतलब ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे आप लोग ओके करोगे, आप लोग देख सकते हो मेरा जो वन था वो ऊपर शिफ्ट हो गया है। तो गाइस ये है प्रोसेस कैसे आप लोग कोई पर्टिकुलर सेल को डिलीट कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं मुझे पर्टिकुलर रो को कम्प्लीट डिलीट करना है, तो आप लोगों को जानना हो सिलेक्ट रोस, आप लोग का रो डिलीट हो गया है। अगर आप लोगों को कुलम सिलेक्ट डिलीट करना है तो जाना है डिलीट कुलम, कुलम डिलीट हो जाएगा एंड दिस विल गो ऑन। अगर आप लोगों को कम्प्लीट टेबल डिलीट करना है तो आप लोगों को यहाँ पे जाके डिलीट टेबल में क्लिक करना है और आप लोगों का टेबल कम्प्लीटली डिलीट हो जाएगा। तो गाइस फिर से मैं यहाँ पे अंडू कर देता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अभी ये जो लेआउट के भीतर जो रोस एंड कॉलम वाला ग्रुप है ये समझ में आ गया होगा। एंड देन आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रुप है यहाँ पे जो है मर्ज। मर्ज का मतलब बेसिकली क्या है, आप लोगों को अगर आप लोगों ने अभी तक एक्सेल वाला पार्ट नहीं किया है तो आप लोगों को शायद ये मर्ज वाला टर्म समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है दो चीज को एक साथ मर्ज कर देना, एक साथ कर देना। तो यहाँ पे अगर आप लोग चाहते हो कि ये जो मेरा सेल है, ये वाला सेल और ये वाला सेल, मैं दोनों को एक साथ मर्ज कर दूं, इन दैट केस आप लोग को दोनों सेल को करना होगा सिलेक्ट, एंड देन आप लोग जा सकते हो मर्ज सेल में। तो जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे, आप लोग देख सकते हो आप लोग का ये जो सेल था, दोनों सेल मर्ज होके अब ये सिंगल सेल बन चुका है। तो यही फंक्शन है मर्ज सेल का। तो गाइस अभी ये मर्ज सेल ये वाला ग्रुप अच्छे से समझाने के लिए मैं सबसे पहले अभी ये जो मेरा टेबल है इसको मैं फिल कर लेता हूँ कोई भी एक डेटा से, जो कि हमारे लिए बाद में भी काम आने वाला है। तो फॉर दैट मैं सबसे पहले जो मेरा कंप्लीट टेबल है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ से मैं एक टेबल को ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज यहाँ पे मुझे चाहिए 5 columns and 4 rows, तो मैंने ये बना लिया। एंड देन मैंने यहाँ पे कर दिया सीरियल नंबर, मैंने यहाँ पे दिया नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने दिया सपोज सब्जेक्ट का मार्क्स चाहिए मुझे, मैंने दिया मैथ, यहाँ पे मैंने दिया साइंस, और यहाँ पे मुझे चाहिए टोटल, मतलब ये दोनों सब्जेक्ट का मार्क मिला के कितना हो रहा है, मुझे वो टोटल चाहिए। तो इन दैट केस यहाँ पे मेरा टेबल बन के तैयार है। देन मुझे यहाँ पे देना है सीरियल नंबर 1, 2, 3, नाम देना है मुझे यहाँ पे, नाम सपोज मैंने दे दिया कुछ एक्स वाई एंड जेड, मैथ्स में एक्स को मिला है सपोज 78, इसको मिला है 80, एंड देन इसको मिला है 65। सिमिलरली साइंस में भी कुछ मार्क्स मिला होगा, लेकिन साइंस में मैं सबसे पहले नहीं जाऊंगा, और मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ एडिशनल दिखाना चाहूंगा कि मार्ज का मेन काम क्या होता है। सपोज आप लोग यहाँ पे ऊपर में एडिशनल एक रो यूज करना चाहते हो, तो मैंने यहाँ पे एक रो ले लिया, और यहाँ पे मेरा जितना भी सेल है मैं सबको मर्ज करना चाहता हूँ, तो मैं सबको मैंने यहाँ पे मर्ज कर दिया। एंड देन मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये मैंने कर दिया मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। एंड देन अगर आप लोगों को ये वाला जो टेक्स्ट है इसको अलाइन करना है, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि इसको अलाइन कैसे करना है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मर्ज वाला ग्रुप है इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो अभी आप लोगों को शायद ये समझ में आ गया होगा कि जो मेरा सेल था मैंने सबको यहाँ पे एक साथ मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद अगर आप लोग चाहते हो कि मुझे इसको सेंटर में लाना है, तो सेंटर में लाने के लिए आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अलाइनमेंट वाला ग्रुप है, अलाइनमेंट में काफ़ी सारा अलग अलग अलाइनमेंट है। अगर आप लोग सेंटर में लाना है तो मैं ये वाला सिलेक्ट करूँगा, आप लोग देख सकते हो ये सेंटर में आ चुका है। तो ये जो अलाइनमेंट ग्रुप है मैं इसको इन डिटेल सिखाने वाला हूँ, तो बी पेशेंट, पहले हम लोग मर्ज सेल को सीख लेते हैं। स्प्लिट टेबल का मतलब क्या है, बेसिकली अगर आप लोग चाहते हो कि जो मेरा टेबल है मैं इसको डिवाइड कर दूँ, दो अलग अलग टेबल बना दूँ इसको मैं, तो इन दैट केस क्या करना होगा, तो जहाँ से आप लोग इसको डिवाइड करना चाहते हो तो वहाँ पर आप लोगों को करना होगा सिलेक्ट। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो 2, 3 है ये अलग से बन जाए, तो मैंने 2 में मेरा कर्सर को क्लिक किया, एंड देन आप लोगों को जाके क्लिक करना है स्प्लिट टेबल। जैसे आप लोग स्प्लिट टेबल में क्लिक करोगे, आप लोग देख सकते हो जो आप लोगों का टेबल है ऊपर में एक टेबल बन गया है और नीचे आप लोगों के लिए अलग टेबल है। तो ये है फंक्शन ऑफ स्प्लिट टेबल, जो कि काफ़ी सिंपल है।
तो अभी अगर आप लोग चाहते हो कि ये जो सेल है इसमें आप लोग दो अलग अलग रो बनाओ, तो इन दैट केस आप लोग को यूज़ करना होगा स्प्लिट सेल का। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ये जो मेरा सेल था इस पर मैंने क्लिक किया, आप लोग देख सकते हो मेरा जो कर्सर वो ब्लिंक हो रहा है, एंड देन आप लोग को जाना है स्प्लिट सेल में। तो जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे, आप लोगों को नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स का ऑप्शन दिखेगा। तो इन दिस केस मुझे एक ही रो एक ही कॉलम चाहिए, तो मैंने इसको कॉलम को वन कर दिया। और मुझे रो कितना चाहिए, मुझे रो चाहिए दो, तो मैं टू करके मैंने इसको कर दिया ओके। तो आप लोग देख सकते हो जैसे आप लोगों ने ओके किया तो आप लोग का जो सेल था वो दो डिफरेंट रो में स्प्लिट हो गया है। तो यही मेन फंक्शन है स्प्लिट सेल का। एंड देन अगर आप लोग चाहते हो कि ये जो आप लोग का चार रो है इसमें इसको दो अलग अलग कॉलम्स में स्प्लिट करने के लिए, तो इन दैट केस आपको क्या करना होगा, आपको ये चारों जो रो है इसको सिलेक्ट करना है, एंड देन आप लोग को फिर से जाना है स्प्लिट सेल में, एंड देन यहाँ पे आप लोग को सेट करना है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मैंने नंबर ऑफ कॉलम्स को टू ही रखा। और जैसे आप लोग यहाँ पे ओके करोगे, आप लोग देख सकते हो आप लोग का जो सिंगल रो था, सॉरी सिंगल कॉलम था, वो अभी डबल कॉलम बन चुका है। तो अभी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइंस, एंड देन नीचे मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज थ्योरी, एंड इस तरफ मैंने लिख दिया प्रैक्टिकल। सपोज साइंस में मुझे थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का मार्क देना है, तो मैंने इस तरीके से मैंने इसको कर दिया स्प्लिट। तो ये है मेन फंक्शन ऑफ स्प्लिट सेल। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये स्प्लिट सेल भी समझ में आ गया होगा। और मर्ज वाला ग्रुप में इतना ही है, देन हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट ग्रुप जो है सेल साइज। और यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को क्या मिल रहा है, ऑटो फिट। तो गाइस सेल साइज से शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मतलब जो भी यहाँ पे सेल है सेल का जो साइज है, अगर आप लोग उसको एडजस्ट करना चाहते हो, चाहे वो ऑटोमेटिकली हो या मैनुअली हो, तो आप लोग इस ग्रुप के थ्रू इसको कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए ऑटो फिट, मतलब ऑटोमेटिकली अगर आप लोग चाहते हो कि इसका जो विथ है हाइट है ऑटोमेटिकली सेट हो, तो इन दैट केस आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा ऑटो फिट। और यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन है उसमें करना होगा क्लिक। तो पहला ऑप्शन आप लोगों को क्या मिल रहा है, ऑटो फिट कंटेंट, मतलब इसका जो विथ है सेल का वो कंटेंट के हिसाब से ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। तो जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे आप लोग देख सकते हो आप लोग का जो सेल का विथ है वो बेस्ड ऑन कंटेंट ऑटोमेटिकली फिट हो गया है, और जो ओवरऑल टेबल है वो नैरो हो गया है, मतलब कंजेस्टेड हो गया है। तो ये है मेन फंक्शन ऑफ ऑटो फिट बेस्ड ऑन कंटेंट। सिमिलरली आप लोगों के पास दो अलग अलग ऑप्शन है, एक है ऑटो फिट बेस्ड ऑन विंडो, जो विंडो का साइज है 6.5 इंच उसके हिसाब से हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो 6.5 इंच के हिसाब से हो गया है। सिमिलरली अगर आप लोग चाहते हो कि ये फिक्स्ड कूलम विड्थ बने, तो उसको भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो फिक्स्ड कूलम विड्थ। तो अभी जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसको दिखाने के लिए मैं आप लोगों को एक एडिशनल टेबल बना लेता हूँ आप लोगों के लिए। तो सपोज मैंने यहाँ पे चार रो और तीन रो और चार कॉलम वाला एक टेबल बना लिया, एंड देन यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एडिशनल ऑप्शन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो सेल है ये वाला सेल का अगर आप लोग मैन्युअली हाइट या विथ चेंज करना चाहते हो, तो इन दैट केस आप लोगों को जाना होगा सेकेंड ऑप्शन में। सेकेंड ऑप्शन क्या है आप लोगों का, हाइट। अगर आप लोग यहाँ से हाइट को इंक्रीज करोगे आप लोग देख सकते हो ये जो आप लोग का रो है इसका हाइट इंक्रीज हो रहा है और यहाँ से आप लोग का हाइट डिक्रीज हो रहा है। सिमिलरली अगर आप लोग चाहते हो कि इसका जो विथ है विथ को आप लोग चेंज करना चाहते हो, तो मैं आप लोग को यहाँ पे जो विथ है वो भी चेंज करके दिखाता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो इसका जो विथ है वो भी इंक्रीज हो रहा है और यहाँ से इसका जो विथ है वो डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से आप लोग इसको मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हो। एंड देन आप लोग के पास एक ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स, मतलब जितना भी कॉलम्स है वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे आप लोग देख सकते हो आप लोग का जो कॉलम है वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट होकर सेम साइज में आ गया है। अगर आप लोग सिमिलरली जो आप लोगों का रोस है उसको भी सिमिलर वे में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो फॉर देट आप लोग के पास ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट रोस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो रो का जो हाइट है मैं इसको थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ। आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हो या डायरेक्टली आप लोग अपने कर्सर के थ्रू भी आप लोग का जो रो का जो सेल का हाइट या विथ है उसको आप लोग चेंज कर सकते हो। फॉर दैट क्या करना है, जो भी आप लोग सेल का विथ या हाइट चेंज करना चाहते हो उसके एज में आप लोग को अपना कर्सर लेना है। जब आप लोग अपना कर्सर लेके जाओगे वहां पे आप लोग को एक बोथ साइड एरो दिखेगा। अभी शायद आप लोग को रिकॉर्डिंग में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब आप लोग प्रैक्टिकली ट्राई करोगे आप लोग को वहां पे एक बोथ साइड एरो दिखेगा। तो जब आप लोग को वो दिखेगा तो वहां पे आप लोग को क्लिक करके इसको ड्रैग करना है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो मेरा हाइट है सेल का वो इंक्रीज हो रहा है जो मैं यूजिंग
माउस कर रहा हूँ। तो सिमिलरली आप लोग इसको डिक्रीज भी कर सकते हो। तो सपोज मैंने इसको इंक्रीज कर दिया एंड देन अगर आप लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट रोज करोगे तो आप लोग देख सकते हो फिर से ये ऑटोमेटिकली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये है मेन फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूट रोज एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। एंड देन हम लोग मूव करेंगे अलाइनमेंट में। अलाइनमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। तो अलाइनमेंट नाम से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जो आप लोगों का टेक्स्ट है उसको आप लोग अलाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों के पास 9 अलग अलग ऑप्शन है। एक है आप लोगों का टॉप कॉर्नर जो पहले से सिलेक्टेड है। अगर आप लोग सेकंड में करोगे तो ये क्या हो रहा है, सेंटर लेकिन ऊपर ही रहता है। ये आप लोगों का राइट कॉर्नर, अगर आप लोग चाहते हो कि एकदम बीच में रहे तो आप लोग को जो मिडिल वाला ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना है। आप लोग देख सकते हो ये एकदम सेंटर में आ चुका है। सिमिलरली जो भी आप लोगों को चाहिए यहाँ से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो और उसको आप लोग अकॉर्डिंगली अलाइन कर सकते हो। नेक्स्ट है आप लोगों के लिए टेक्स्ट मार्जिन। टेक्स्ट मार्जिन का मतलब क्या है, टेक्स्ट का डायरेक्शन। अभी टेक्स्ट का डायरेक्शन टुवर्ड्स जो एरो साइड है, जो आप लोगों को यहाँ पे एरो दिख रहा है उसके हिसाब से है। अगर आप लोग इसमें क्लिक करोगे आप लोग देख सकते हो जो आप लोग का टेक्स्ट का जो एरो हेड है वो नीचे की तरफ दिख रहा है, तो आप लोग का यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो भी चेंज हो चुका है। आप लोग चाहते हो तो इसको बड़ा कर सकते हो, बड़ा करने से आप लोग समझ में आएगा। आप लोग अभी देख सकते हो इसका जो हेड है वो नीचे की तरफ है और आप लोग का जो लिखा हुआ है वो भी नीचे की तरफ जा रहा है। तो जैसे आप लोग इसको चेंज करोगे तो ये अभी आप लोग देखो इसका जो हेड है ऊपर की तरफ है और आप लोग का लिखा हुआ भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस अकॉर्डिंगली आप लोग अपना जो टेक्स्ट का डायरेक्शन है उसको आप लोग अपने एंड से चेंज कर सकते हो। देन आप लोगों के लिए है सेल मार्जिन। सेल मार्जिन का मतलब बेसिकली क्या है, आप लोग देख सकते हो जो आप लोग का टेक्स्ट लिखा हुआ है हर एक सेल में वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में है। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे जो आप लोग का सेल का बॉर्डर है उससे कुछ दूरी में है आप लोग का टेक्स्ट। यहाँ पे जो सीरियल नंबर है आप लोग देख सकोगे ये कुछ लाइन से कुछ दूरी में है। अगर आप लोग चाहते हो कि एकदम लाइन के साथ चिपका हुआ चिपका के लगा रहे तो इन दैट केस आप लोग को सिलेक्ट करना होगा सेल मार्जिन। तो ये भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पे आप लोग को कुछ ऑप्शन दिख रहा है, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, जो बॉटम वाला आप लोग को 0.08 इंच दिखा रहा है तो मैं इसको डिक्रीज कर देता हूँ। डिक्रीज करके मैं इसको कर देता हूँ 0। जैसे आप लोग अभी ओके करोगे आप लोग देख सकते हो जो आप लोग का टेक्स्ट है ये एकदम आप लोगों का जो बॉर्डर है उसके साथ लगा हुआ है। ये है मेन फंक्शन ऑफ सेल मार्जिन। तो आशा करता हूँ ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देन हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट ग्रुप जो है डेटा। डेटा में फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब आप लोगों को शायद समझ में आता ही है, ये हम लोगों ने होम टैब में भी कवर किया था। बेसिकली ये इन असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करेगा। तो सपोज यहाँ पे आप लोगों को ये 1, 2, 3 जो दिख रहा है ये आप लोग का बेसिकली इन असेंडिंग ऑर्डर है। अगर आप लोग इसको इन डिसेंडिंग ऑर्डर शॉर्ट करना चाहते हो तो इन दैट केस आप लोग को यहाँ पे जाना है एंड देन आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट करना है कुलम 1 जो सिलेक्टेड है एंड देन इसको करना है डिसेंडिंग। और जैसे आप लोग इसको ओके करोगे आप लोग देख सकते हो कैसे हो गया 3, 2, 1 के हिसाब से हो गया है। फिर से अगर आप लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इसको फिर से असेंडिंग करना है और ये बन जाएगा। तो ये था शॉर्ट। एंड देन सबसे इम्पोर्टेंट वो है आप लोगों के लिए फॉर्मूला, मतलब कैसे आप लोग वर्ड में भी फॉर्मूला ऐड कर सकते हो, जो मैंने आपको बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कुछ मार्क ऐड कर देता हूँ, सपोज 45, 32, 35, 41, यहाँ पे मैंने कर दिया 39 एंड यहाँ पे मैंने कर दिया 40। तो यहाँ पे मुझे अभी चाहिए टोटल। तो टोटल के लिए मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे देना है फॉर्मूला। तो मैंने यहाँ पे अपना जो कर्सर है उसको क्लिक किया, आप लोग देख सकते हो ये ब्लिंक कर रहा है। अभी शायद आप लोग को ये ब्लिंक ठीक से नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने जो सेल मार्जिन उसको 0 करके रखा हुआ है। तो मैं इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए ठीक से। मैंने इसको फिर से 0.08 कर दिया, अभी शायद आप लोग को ये ब्लिंक दिख रहा होगा। तो अभी आप लोग को जाना है फॉर्मूला में। तो जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे आप लोग को यहाँ पे क्या दिख रहा है, इक्वल टू सम अबव। तो मतलब ये ऊपर जो है उसके साथ ये ऐड करेगा, लेकिन ऊपर में तो कुछ है नहीं हम लोग का। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा, मुझे यहाँ पे लिखना होगा लेफ्ट, क्योंकि आप लोग का जो वैल्यू है वो लेफ्ट में है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लेफ्ट एंड देन आप लोगों को करना है ओके। तो जैसे आप लोग ओके करोगे आप लोग देख सकते हो आप लोग का जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ चुका है एडेड वैल्यू। सेम आप लोग नीचे भी कर सकते हो, फिर से आप लोग को यहाँ पे जाना है, फिर आप लोगों को करना है लेफ्ट एंड देन करना है ओके। तो आप लोग का ये एड हो जाएगा। तो ये है आप लोग के लिए फॉर्मूला। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों के लिए होगा कन्वर्ट टू टेक्स्ट।
मतलब जो आप लोग का टेबल है, अगर आप लोग इसको ऐसे टेक्स्ट कन्वर्ट करना चाहते हो तो फॉर देट आप लोग को ये वाला ऑप्शन दिया गया है। तो शायद आप लोग को अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि टेबल को हम लोग टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो फॉर देट मैं आप लोग को ये प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो आप लोग को पहले यहाँ पे करना है क्लिक। तो जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे, आप लोग देख सकते हो काफी सारे ऑप्शन है सेपरेट टेक्स्ट विथ, मतलब जो आप लोग का टेक्स्ट है यहाँ पे उसको आप लोग कैसे सेपरेट करना चाहोगे, ऐसे पैराग्राफ या ऐसे टैब या ऐसे कॉमा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे टैब को सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको कर दूंगा ओके। तो आप लोग देख सकते हो जैसे मैंने इसको ओके कर दिया, जो आप लोगों का टेबल है वो गायब हो गया है और जो टेक्स्ट है वही यहाँ पे रह गया है। तो यह है प्रोसेस कैसे आप लोग एक टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे आप लोगों के पास और एक ऑप्शन था, मैंने इसको अंडू कर दिया। यहाँ पे आप लोगों को और एक ऑप्शन मिलेगा, वो है बाई कॉमा। तो अगर आप लोग इसको सिलेक्ट करके ओके कर दोगे तो आप लोग देख सकते हो जो भी आप लोग का टेक्स्ट है वो कॉमा के साथ सेपरेट हो गया है। तो यह प्रोसेस कैसे आप लोग टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये था मेरा डेटा ग्रुप, शायद आप लोग को यहाँ पे सब कुछ समझ में आ गया होगा। एंड देन हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स अवर ड्रॉ ग्रुप। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा ड्रॉ ग्रुप। तो ड्रॉ ग्रुप में पहले आ रहा है आप लोग का ड्रॉ टेबल, जहाँ से आप लोग टेबल को ड्रॉ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोग को एक पेन का ऑप्शन दिखेगा, तो पेन के थ्रू आप लोग यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर सकते हो। ये हो गया मेरा टेबल। एंड देन यहाँ पे आप लोगों को जितना रो चाहिए आप लोग रो ड्रॉ कर सकते हो, आप लोग को जितना कुलम चाहिए आप लोग कुलम भी यहाँ पे बना सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली आप लोग मैन्युअली एक टेबल को ड्रॉ कर सकते हो। एंड देन आप लोग के लिए है इरेजर, मतलब अगर आप लोग कोई भी एक टेबल को इरेज करना चाहते हो, पर्टिकुलर सेल को इरेज करना चाहते हो, तो फॉर देट आप लोग को सिलेक्ट करना होगा इरेजर। तो यहाँ पे मैंने इरेजर को सिलेक्ट कर लिया। एंड देन जो भी लाइन आप लोग को डिलीट इरेज करना है वहाँ पे जाके आप लोग को करना होगा क्लिक। तो जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे आप लोग देख सकते हो ये वाला आप लोगों के लिए इरेज हो गया है। देन अगर आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे ये भी इरेज हो जाएगा। तो ये मेरे लिए क्या काम कर रहा है, इरेज का काम कर रहा है, ऐसे इरेजर काम कर रहा है। तो ये है मेन फंक्शन ऑफ इरेजर टूल। तो ड्रॉ टूल में ड्रॉ ग्रुप में इतना ही है। एंड देन आप लोग को मूव करना है टेबल ग्रुप में। टेबल ग्रुप में पहला ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है सिलेक्ट का, इसके थ्रू आप लोग कोई भी पर्टिकुलर सेल हो गया या कुलम रो आप लोग किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने का दूसरा ऑप्शन भी है जो मैं आप लोग को पहले सिखा चुका हूँ। सपोज मुझे यहाँ पे कुलम सिलेक्ट करना है तो आप लोग देख सकते हो जो आप लोग का कुलम है वो सिलेक्ट हो गया है। सिमिलरली जहाँ पे आप लोग अपना कर्सर रखोगे उसके हिसाब से बेस्ट होकर ये सिलेक्ट होगा। अगर आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट रो करोगे तो जितना भी रो है वो सिलेक्ट हो गया है। तो ये है मेन फंक्शन ऑफ सिलेक्ट टूल। एंड देन आप लोग के पास है व्यू ग्रिड लाइंस। तो ग्रिड लाइन का मतलब बेसिकली क्या है, तो यहाँ पे ग्रिड लाइन को समझाने के लिए मैं यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। फॉर दैट लेट मी कंसिडर दिस टेबल, मैंने ये वाला टेबल को कंसिडर किया। और यहाँ पे जो आप लोगों को बाहर टेबल का बॉर्डर दिख रहा है पहले इसको हटाना होगा। इसको हटाने के लिए मैं गया डिज़ाइन में। एंड देन यहाँ पे जो आप लोगों को बॉर्डर दिख रहा है यहाँ पे जाना है और आप लोग को करना है नो बॉर्डर। अगर आप लोग यहाँ पे नो बॉर्डर करोगे तो आप लोग देख सकते हो जो आप लोग का बॉर्डर है वो यहाँ से चला गया है। लेकिन अगर आप लोग अभी लेआउट में जाके व्यू ग्रिड लाइंस में क्लिक करोगे तो आप लोग देख सकते हो बॉर्डर जाने के बाद भी आप लोग को यहाँ पे ग्रिड लाइन दिख रहा होगा। ये है मेन फंक्शन ऑफ व्यू ग्रिड लाइन। देन मैं इसको पहले अंडू कर लेता हूँ। तो ये हो गया आप लोगों के लिए व्यू ग्रिड लाइन। एंड नेक्स्ट जो टूल है वो है प्रॉपर्टीज। अगर प्रॉपर्टीज में क्लिक करोगे तो आप लोग को यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस मिल रहा है, जहां से आप लोग फिर से टेबल का जो अलाइनमेंट है वो आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हो, जो रो कॉलम का हाइट विथ है उसको आप लोग सेट कर सकते हो। तो इन शॉर्ट ये जो प्रॉपर्टीज है इसको हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जो हम लोग के अलग अलग ग्रुप में था वो सारा प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी वाला जो स्पेसिफिक टूल दिया गया है उसके भीतर आप लोग को मिल जाएगा। तो मैं इसको फिर से डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि हम लोगों ने हर एक ग्रुप को पहले डिस्कस कर लिया है। तो गाइस ये है ऑल ऑफ द ग्रुप्स व्हिच कम अंडर योर लेआउट टैब। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये जो मेरा टेबल वाला ग्रुप है मैंने आपको पहले बोला था ये काफी लंबा है, तो सिर्फ अभी टेबल के भीतर हम लोगों ने लेआउट वाला पार्ट कवर किया है और ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे वन करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा डिजाइन टैब, तो इसमें भी काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल है। तो एस ऑफ नाउ गाइस आप लोगों को पहले ये प्रैक्टिस करना है एंड देन नेक्स्ट वीडियो में मूव करना है, क्योंकि अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके लिए काफी कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है। तो विद दिस मैं वीडियो को यहीं पे वाइंड करता हूँ। विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन प्रैक्टिस
प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. सो गाइस बाय बाय एंड टेक केयर.